नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। इसी बीच आज 5 मई को आरबीआई पूरे एक्शन में नजर आया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने न सिर्फ कोविड की दवाई और वैक्सीन के इंतजाम के लिए फंड देने की बात कही, बल्कि लोन न भर पा रहे लोगों को रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 की संजीवनी भी दी। इसके साथ ही जिन लोगों को अपने बैंक खातों का केवाईसी अपडेट करना है, उनको भी थोड़ी राहत मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को अपने केवाईसी अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया है। इसका सीधा असर आम ग्राहकों पर होगा, यानी कि बैंक इस साल 31 दिसंबर तक केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण किसी भी खाते से लेन देन पर रोक नहीं लगा सकेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब प्रोपराइटरशिप फर्म, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और वैधानिक इकाइयों के लाभार्थी मालिक भी वीडियो केवाईसी सुविधा के पात्र होंगे। साथ ही केवाईसी के पीरियोडिक अपडेशन के लिए भी वीडियो केवाईसी सुविधा की अनुमति दी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हमारे नागरिक जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, हम सरकार के साथ मिलकर उस हालात में सुधार के लिए काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपरंपरागत उपायों और नई प्रतिक्रियाओं को आजमाने के लिए भी तैयार हैं। हमें अपने भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा, जो इस मोड़ पर भी उज्जवल दिखाई दे रहा है। और भारत दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।